Hello dear students, how are you feel? I think you are feeling well. Now, we want to discuss some other formulas of trigonometry. Let me start. Sin 3x. अब sin 3x का formula क्या होता है बेटा? ये तो हमारे पास 34, यानी कि 3 sin x minus 4 sin cube x. यह हो गया हमारे पास. ऐसे ही cos 3x का फॉर्मूला. cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos cube x minus 3 cos x. फिर ऐसे ही tangent 3x का. tangent 3x का फॉर्मूला होता है बेटा 3 tangent x minus tangent cube x upon 1 minus 3 tangent square x. 3 tangent square x. That is the formula of tan 3x. Now we want to discuss some other questions. Let if 2 cos theta equal to 2 cos theta equal to x plus 1 by x, then show that 2 cos 3 theta equal to x cube plus 1 by x cube. Okay? 2 cos 3 theta equal to x cube plus 1 by x cube. ये हम करेंगे बेटा. तो देखिए बेटा, आप कैसे करेंगे हम इसको. देखो 2 cos theta equal to x cube plus 1 by x cube है, तो पहले हम ये लेंगे बेटा. तो cos 3 theta लेफ्ट हैंड साइड, 2 cos 3 theta की फॉर्मूला क्या होता है? cos 3 theta फॉर्मूला होता है 4 cos cube theta, that is the 4 cos cube theta minus 3 cos theta. ठीक है. और हमारे पास बेटा ये करेंगे 2 4 cos theta की क्या होती है? cos theta होती है x plus 1 by x equals 1 by 2. तो 1 by 2 x plus 1 by x का whole cube minus 3 into में x plus 1 by x. यहाँ क्या हमारे पास? आप इसको सॉल्व करो. 2 टू जा 4, तो यह आएगा 2 टू जा 4. ये करो ना बेटा फार्मूला. भाई ये फार्मूला कहा दिया हमने 2 टू जा 4. आप इसका फार्मूला खोलो बेटा. 4 कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा की वैल्यू है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 कोस थीटा इक्वल टू दिस प्रूव करना है. तो देखो यही प्रूव करना है क्या? 2 cos theta equal to this. यस, 2 cos theta equal to x cube plus 1 by cube प्रूव करना हमने. तो cos theta फॉर्मूला होता है 4 cos cube theta upon minus 3 cos theta. यहाँ cos theta है, तो cos theta को हम कह रहे हैं 1 by 2 का क्यूब करोगे तो 1 by 8 यहाँ पर, तो ये 1 by 2 रखोगे 3 by 2 आ जाएगा. आप इसको सो करो 4, याद है 4 टू तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 by x का क्यूब, और ये 2 अंदर ले जाओगे तो माइनस 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स. आप फॉर्मूला खोल लो बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब का. ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स आएगा बेटा. अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया. अब ये और ये सेम कैंसिल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब ये प्रूव हो गया. राइट डाउन कर लो बेटा इसको. नाउ वी स्टार्ट अदर. कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 120 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 120 इक्वल 3 बाई 2 प्रूव करना बेटा. तो देखो बेटा यहाँ पर कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर को अपने को क्या बदलना है? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. तो आप उसको चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे बेटा? देखो यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 120 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 120 है. लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, तो क्या होगा? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 120 और कोस स्क्वायर क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 120 आ गया. या गया बेटा. अब 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर
कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए का फॉर्मूला लगाइए। अब कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है फॉर्मूला बेटा? कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, शाबाश बताइए। कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, सॉरी क्या होता है? डिफरेंट नहीं यहाँ पर, तो ये होगा कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। सिक्स एक्सेंशन पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर आएगा कोस ए प्लस बी ए प्लस 120 प्लस ए माइनस 120, कोस ए माइनस बी ए प्लस 120 माइनस ए प्लस 120। या क्या हमारे पास अब 1 प्लस कोस के रे कितना आएगा हमारे पास? 120 से 120 कैसे हो गया? तो कोस 2 ए आ गया, ए से ए कैंसिल हो गया, कितना है कोस 240। ठीक है बेटा, अब 1 प्लस कोस 2 ए क्या होता है? 1 प्लस कोस 2 ए, 1 प्लस 2 को देखो, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमने कोस के 1 का एज ली दिया कोस, या गया हमारे पास कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, तो कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी होता है। ठीक है ना भाई, अब इसको करो, कैसे करोगे आप? यहाँ पर कोस 240 की वैल्यू, व्हाट इज द कोस 240? कोस 180 प्लस 60, यस कोस 180 प्लस 60। अब कोस 180 माइनस प्लस 60 है तो ये क्या होगा? कोस 60 होगा, कोस अकॉर्डिंग टू थर्ड, थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव आ गया। कोस 60 क्या होती है? 1/2, तो 1/2 यह आ गया हमारे पास माइनस का 1/2। अब 1 प्लस कोस 2 ए, 1 प्लस कोस 2 ए क्या होता है? 2 कोस स्क्वेयर होता है, तो 2 कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए माइनस 1/2 यह आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो बेटा, कैसे करोगे इसको आप? कोस स्क्वेयर ए प्लस 20 कोस करते भाई, बंद करेंगे। नहीं बेटा, हमने यहाँ पर गलत लिख दिया थोड़ा, यहाँ पर इनटू साइन आएगा, ये इनटू था तो इनटू आएगा, यहाँ पर होगा बेटा 1 प्लस कोस स्क्वेयर ए इनटू प्लस कोस 2 ए और कोस 240 होती वैल्यू होती है माइनस 1/2, माइनस 1/2। अब बेटा इसको सॉल्व करो, क्या करोगे? कोस 2 ए किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कोस स्क्वेयर ए, कोस 2 ए का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस 1, ओनली कोस में माइनस 1/2 आ गया बेटा। अब 1 प्लस कोस स्क्वेयर ए, इसको 2 कोस में पे करो, माइनस का कोस स्क्वेयर ए प्लस का 1/2, तो कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो 1/1 में 1/2 करो कितना आएगा? 3/2, ये आंसर है 3/2। ओके, इतना कर लिया आपने। अगला देखो बेटा, साइन स्क्वेयर 4/8 साइन की 4 3/8 साइन की 4 5/8 साइन की 4 7/8 इक्वल टू 3/2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे, क्या लोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में कैसे करोगे भाई आप? साइन 4 5/8 साइन 4 3/8 साइन 4 5/8 साइन 4 7/8 है, हमने ये प्रूव करना बेटा। इसको लिखते हैं हम, देखो साइन स्क्वेयर 5/8 का होल स्क्वेयर, ऐसे साइन स्क्वेयर 3/8 का होल स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 5/8 का होल स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 7/8 का होल स्क्वेयर, यह देगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। साइन स्क्वेयर 5/8 क्या होता है? 1 माइनस कोस 2π, यानी कि इसका एंग हाफ करोगे, कोस पाई 4/2 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 1 माइनस कोस 3π/4/2 का होल स्क्वेयर। यहाँ पर करोगे बेटा 1 माइनस कोस 5π/4/2 का होल स्क्वेयर
वन प्लस माइनस कोस सेवन पाई बाई फोर बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ के हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में कोस पाई फोर की होती है वन बाई रूट टू, तो वन माइनस वन बाई रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस सेकेंड पॉइंट में नेगेटिव होते हैं तो प्लस वन बाई रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर। वन थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव तो वन प्लस वन बाई रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर, और इसमें फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव तो वन माइनस वन बाई रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ के हमारे पास सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू। ठीक है, तो राइट कर लो बेटा इनको। लेट स्टार्ट अदर क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड साइन फोर थीटा का दूसरी करना है, तो साइन फोर थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा एंगल ऑफ टू थीटा कोस टू थीटा। भाई अब फिर दबा लीजिए भाई, टू साइन टू थीटा फॉर्म क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा भाई, और कोस टू थीटा फॉर्म में होते कई, लेकिन हम यहाँ पर कोस साइन में चाहिए, तो इसको लिखोगे आप कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पर प्रूव करोगे टू टू जो फोर, फोर क्वेश्चन पे कर दो कितना आएगा फोर साइन थीटा कोस क्यू थीटा, इसको पे कर दो माइनस का फोर कितना आएगा साइन क्यू थीटा कोस थीटा भाई। यह आ गया आंसर। ओके ऐसे यहाँ पर करो बेटा। अब ये प्रूव करना हमने कोस फाइव थीटा इक्वल दिस, तो कोस फाइव थीटा को आप लिखते हैं क्या कोस टू थीटा प्लस थ्री थीटा भाई। यह आ गया। अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला तोड़ो भाई, क्या होता है कोस ए प्लस बी का कोस टू थीटा कोस थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा साइन फाइव थीटा करेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा बेटा। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको कोस में तोड़ेंगे कैसे भाई, कोस फोर थीटा प्लस थीटा तोड़ेंगे। ठीक है, इससे तोड़ेंगे तो भी देखो हो जाएगा क्या कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो अब हमें कैसे करना चाहिए, केवल कि हमें इजी केवल कोस कोस में ही चाहिए भाई, कोस फाइव थीटा है तो आप इसको तोड़ें। तो देखो भाई कैसे तोड़े हम, बोलो सोचो सब बस, यदि हम और तोड़ेंगे भाई कैसे तोड़ें, तो हम इसको बेटा ये तोड़ सकते हैं, क्या ट्रिक लगाएंगे हम, क्या ट्रिक लगाएंगे भाई, कोस फाइव थीटा चाहिए हमें और केवल इसको थीटा में ही, तो इसको लिखते हैं आप बेटा क्या लिखते हैं आप कोस टू थीटा को लिख लीजिए या ठीक है कोस फाइव थीटा माइनस थीटा, और इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो हो जाएगा। ठीक है कर लो बेटा राइट डाउन कर लो इसको। नाउ लेट मी स्टार्ट सम अदर क्वेश्चंस। साइन 45 बाई टू की वैल्यू निकालनी बेटा, या कोस 45 बाई टू की या कोस 135 की वैल्यू दे रखी हो और हमें निकालनी वैल्यू किसकी है साइन 67 हाफ, साइन 67 हाफ ये दे रखी है माइनस वन बाई टू, साइन 135 बाई टू ये वैल्यू निकालनी है। अब बेटा साइन 135 बाई टू की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बेटा, अब साइन 45 बाई टू कोस 45 बाई टू, अब बेटा यहाँ पर 45 बाई टू इसकी हाफ की निकालनी है, यहाँ पर भी साइन 135 बाई टू निकालनी है, यहाँ पर चलो इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर तो हमने दे रखी, तो हम यहाँ पर हम कोस 45 की वैल्यू हमें पता है 1 बाई रूट टू होता है, ये ले वो चाहिए लीजिए कोस 45 वन बाई रूट टू। अब इसका हमने साइन में फॉर्म तोड़ना है तो क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर 32 45 बाई टू इक्वल टू वन बाई रूट टू। अब यहाँ पर वन माइनस वन बाई रूट टू इक्वल टू टू साइन स्क्वायर 45 बाई टू। अब एलसीएम लीजिए तो रूट टू माइनस वन बाई रूट टू इक्वल टू टू साइन स्क्वायर 45 बाई टू।
टू से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा, टू रूट टू। क्या क्या हमारे पास, अब स्क्वेयर में तो क्या होगा, रूट ले लीजिए भाई, यह आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही कोस 45 की रखी है हमें कोस, तो ये टू कोस किया 45 बाई टू माइनस वन इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो टू कोस किया 45 बाई टू इक्वल टू वन बाई रूट टू प्लस वन, तो कोस टू कोस किया 45 बाई टू इक्वल टू वन प्लस रूट टू बाई रूट टू, तो कोस किया 45 बाई टू इक्वल टू वन प्लस रूट टू बाई टू रूट टू। अब कोस स्क्वेयर 45 बाई टू है तो कोस 45 बाई टू इक्वल टू क्या देगा, इसका रूट आ जाएगा वन प्लस रूट टू बाई टू रूट टू, क्या आ जाएगा, इससे कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या साइंस स्क्वेयर सेल टू माइनस साइंस स्क्वेयर 60। अब इससे पहले आपको कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेगी साइन 18 की और कोस 18 की, ऐसे ही साइन 36 और कोस 36, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी भाई। ये आपकी बुक में दे रखी, देखो ये आपके बुक में दे रखी है, मेरे बुक के हिसाब से ये मेरी बुक के साथ 3.107 है, ठीक है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। क्या ये होती है साइन 18 की वैल्यू रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, और रूट इसकी होती है 10 प्लस टू रूट फाइव बाई फोर बाय फोर। ऐसे ही जो यदि हमारे पास साइन 36 की है तो वो हो जाएगी रूट 10 माइनस टू रूट फाइव बाई फोर, और इसकी वैल्यू होगी रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, रूट ये पूरा आएगा बेटा। ओके, ये होती है हमारे पास वैल्यू, इस तरह से करोगे आप, जो हमारे पास ये साइन की या भी इस तरह से आप यूज़ करोगे, जैसे क्वेश्चन हमारी बुक का देखिए बेटा, साइन स्क्वेयर सेल टू माइनस साइन स्क्वेयर 60, साइन स्क्वेयर सेल टू माइनस साइन स्क्वेयर 60 इक्वल टू रूट फाइव माइनस वन बाई एट प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए साइन स्क्वेयर सेल टू को क्या लिखते हैं आप, 90 माइनस 18 माइनस साइन स्क्वेयर 60। अब साइन स्क्वेयर 90 माइनस क्या होता है कोस स्क्वेयर, तो कोस स्क्वेयर 18 माइनस साइन स्क्वेयर 60। अब वैल्यू पुट कर देंगे कोस स्क्वेयर 18 की, इसकी स्क्वेयर करोगे तो यह आएगा 10 प्लस टू रूट फाइव बाई 16 माइनस साइन 60 को क्या होती है रूट थ्री बाई टू, तो थ्री बाई फोर, थ्री बाई टू का थ्री बाई फोर। अब एलसीएम निकाल कर लेंगे हम सोल्व, ठीक है, इस तरह से हमारे पास करना है, ये करोगे आप। और अगले में साइन 12 साइन 40 साइन 54 है, देखिए बेटा साइन 12 साइन 48 और साइन 54 इक्वल टू वन बाई एट है, यही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप तीन वाले हैं, तो साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, क्या होता है फॉर्मूला ध्यान हो तो क्या होता है 1/4 साइन 3 ए। यहां पर देखो साइन 12 और हमें क्या प्रूव करना है बेटा इक्वल टू 1/8 प्रूव करना है, तो देखो साइन 12 साइन 60 माइनस 12 और साइन 60 प्लस 12, अब ये है 54 और हमें चाहिए क्या 72। देखो भाई 72 कैसे लाओगे, इसको हम साइन 54 लिखते हैं, हम साइन 72 से डिवाइड कर देते हैं और साइन 72 से पे कर देते हैं इनटू साइन 54, तो यह आएगा साइन 12
साइन 60 माइनस 12 साइन 60 प्लस 12 साइन 54 अपॉन साइन 72। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या होता है ये फॉर्मूला, 1/4 साइन 3a, 1/4 साइन 3a, 3 कितना गया 36 हो गए, 54 और साइन 72। अब इसको करो बेटा, कैसे करोगे भाई, देखो 1/4 साइन 36 और साइन 54 को लिखते हैं हम कोस 36 अपॉन में साइन 72। कैसे भाई, साइन 54 को लिखते हैं हम 90 माइनस 36 और साइन 90 माइनस 36 क्या आता है कोस, तो 1/4 साइन 36 कोस 36 अपॉन में साइन 72। अब 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन 2 का फॉर्मूला लगाओगे तो 1/a साइन 72 अपॉन में साइन 72। ये करोगे आप, ये कैंसिल आउट, तो 1/8 आंसर आ गया। ओके तो आज इतना ही करेंगे हम, ये कंप्लीट हुई एक्सरसाइज, कल हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।